हेलो व्यूवर्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ दालचीनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो चलिए, हमें सबसे पहले चाहिए होंगे गोश्त। मैंने यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो मटन ले सकते हैं। चने की दाल जो कि मैंने सोक करके रख दी थी आधे घंटे के लिए। गरम मसाला, तेल, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। सूखे मसालों में हमें चाहिए होगा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और तेज़पत्ता। हमने यहाँ ऑयल गरम कर दिया, प्याज डाल दिया है और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमारी प्याज लाल हो चुकी थी, उसके बाद हमने गोश्त, दाल और सभी मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसमें लिड लगा के इसे अच्छी तरह से गला लेंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारा दालचा अच्छी तरह से गल चुका है, इसे हमने अच्छे से घोट लिया है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे एक उबाल आने तक अच्छी तरह खौला लेंगे। व्यूवर्स, हमारा शादी वाला दालचा बनके तैयार हो चुका है। आप लोग इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।